नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसडी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने एक्वेरियम पंप को रिपेयर कैसे किया जाता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि लगातार अगर हम अपने एयर पंप को चलाते हैं तो उसमें से एक इरिटेटिंग साउंड आनी शुरू हो जाती है और ये साउंड दिन ब दिन बढ़ती जाती है, और खासकर जब रात का अंधेरा हो उस समय तो बहुत ज्यादा ये साउंड जो है वो फील होती है। तो ये साउंड आती क्यों है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में देखेंगे। मेरे पास एक ये RS इलेक्ट्रिकल कंपनी का RS A458 मॉडल एयर पंप रिपेयर के लिए आया है। इसमें सेम प्रॉब्लम फेस हो रही है, इसमें से आवाज आ रही है। चलिए पहले इसको लगाकर देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कितनी है। इसके आगे मैंने ये डिफ्यूजर लगा दिया है। देखिए पहले इसको हम प्लग में लगा लेते हैं। इसका डिफ्यूजर जो है हम इसमें डाल देते हैं और बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे को ये संभालना। चलिए मैं इसका स्विच ऑन कर देता हूं। ये आप खुद देख सकते हैं कि इसकी नॉइस जो है वो कितनी ज्यादा है। देखिए कितनी ज्यादा नॉइस है इसकी, हालांकि मैंने इसको भी पकड़ा ही हुआ है और इसमें से जो बबल्स आ रहे हैं वो अगर मैं आपको लाइट के जरिए दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए बबल्स भी थोड़े कम जनरेट हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। इसको रिपेयर करने के लिए हमें एक टेस्टर की जरूरत पड़ेगी या पेचकस भी आप ले सकते हैं। और सबसे पहले हम इसकी ये डिफ्यूजर जो है इसको अलग कर देते हैं। उसके बाद इसमें आपको यहां पर ये देखिए ये चार होल नजर आएंगे। इन चार होलों में स्क्रू लगे हुए हैं, तो आप उन स्क्रूज को पहले खोल लीजिए। ये हमने इसके स्क्रूज जो हैं वो सारे खोल लिए हैं। स्क्रू खोलने के बाद इसके ये पार्ट जो है ऐसे अलग हो जाता है। देखिए ये इसका ऊपर का पार्ट है और ये रहा इसके बीच का पार्ट। इसमें यहां पर पाइप लगता है जहां से एयर जो है वो बाहर निकलती है। ये इसकी मेन लीड है जो कि इस ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ी है। और ये जो आपको एक पीस नजर आ रहा है ये एक्चुअली मैग्नेट है जो कि मूवेबल है। जब इसमें करंट पास होता है तो ये मैग्नेट जो है वो इस तरह से वाइब्रेट करता है और ये पत्ती हिलती है इस तरह से। और इसके साथ में ये एक रबड़ की शाफ्ट जुड़ी हुई है। कभी गाँव में जो पुराने लोग हैं उन्होंने जरूर देखा होगा कि लोहार की धोंकनी जो होती है वो इसी बेस पे काम करती है। जब वो दबाते हैं और छोड़ते हैं तो वहां उसके आगे एक शार्प शाफ्ट सी लगी होती है।
और उसमें हवा भरती है और फिर वो स्क्वीज होती है, तो सेम वही फंक्शन है। ये रबड़ जो है, जैसे जैसे ये जब ये मैग्नेट जो है इधर को आता है तो ये खींचती है, खाली होता है, और जब ये आगे को जाती है तो इसमें से एयर जो है इसके अंदर पास होती है इस चैम्बर में, और इस चैम्बर में से यहाँ से एयर पास होकर एयर पाइप के थ्रू डिफ्यूज़र के जरिए हमारे एक्वेरियम में निकलती है। अब इसको अगर साफ करना हो तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि जो मेन आवाज आने की वजह है, जो उसका रीजन है, वो यही है कि इस चैम्बर में कचरा जो है वो बहुत ज्यादा ब्लॉक हो चुका है, उसकी वजह से ये हवा जो है प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आ रही है, और मैग्नेट पे लोड ज्यादा पड़ने की वजह से इसमें से आवाज आ रही है इस पत्ती में से। तो हम इसको पहले निकाल लेते हैं। इसमें हालांकि कोई स्क्रू नहीं है, इसका मैकेनिज्म बहुत ईजी है। इसको खोलने का तरीका ये है कि इसको आपको यहां से पकड़ के इसको बाहर की तरफ खींचना है। ये एक जो रबड़ आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप अगर उठाएंगे तो ये अपने आप पूरे का पूरा पीस जो है ये बाहर निकल आएगा। देखिए, ये देखिए, अब इस पीस में से हमें ये जो पीस है ये खोलना है, और इसमें ये जो एक रबड़ है, इस तरह की रबड़ जो है आपको यहाँ भी नजर आएगी। अब ये हमारा ही वो मैग्नेट है, तो पहले तो हमें इस रबड़ को खोलना है। देखिए, ये खुल गई है बिल्कुल, इसको हमने अलग कर दिया है। अब देखिए, एक रबड़ हाफ वाली काली रंग की ये आपको यहाँ नजर आ रही है, और सेम इसी तरह की रबड़ एक आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है। इन दोनों रबड़ों को हमें निकालना है, और इसके नीचे एक जो ये वाइट कलर की आपको पट्टी सी नजर आ रही है, ये एक पतली सी रबड़ की एक परत है, तो उसको हमें साफ करना है। चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये निकली रबड़, इसको हम रख लेते हैं नीचे, और ये आपको नजर आ रही होगी। देखिए, ये देखिए, ये नीचे आपको इसके छेद नजर आ रहा है, छेद के ऊपर ये रखी गई होती है परत ये। अब इसमें जो देखने वाली चीज है वो ये है कि जो हिस्सा ये वाला छेद के बिल्कुल ऊपर था, वहां देखिए ये बिल्कुल काला काला हो गया है। तो ये काला काला होने का मतलब यही है कि इसके ऊपर कार्बन बहुत ज्यादा जम गया है। तो आप इसको साफ कर लीजिए, किसी भी ब्रश से आप साफ करेंगे तो बड़े इजीली ये साफ हो जाता है। ये देखिए, ये साफ हो गया, देखिए बिल्कुल साफ है ये देखिए। इसको धोने की जरूरत नहीं है, बस इसको साफ कर लीजिए। और अब हम इसमें करेंगे क्या कि जिस तरफ से हमने इसको निकाला है उसको उल्टी तरफ रख लेंगे, यानी कि ये वाली साइड पहले नीचे थी, अब हम इसको ऊपर करेंगे। तो इसको हम इसमें डाल लेते हैं, जैसे था ये होल के ऊपर आ गया, ये देखिए। और जो रबड़ हमने इसमें से निकाली थी, उस रबड़ से ही हम इसको दोबारा से लॉक कर देंगे। ये इतना काम किया, इसी तरह से हमें ये दूसरी तरफ का काम जो है ये भी करना है। देखिए, नीचे से आपको ये नजर आ रही है, होल नजर आ रहा है पूरा। अब इसी तरह से हमें इसको भी कर निकालना है। ये रबड़ निकल गई, अब इसमें से हमें ये देखिए,
इसको अगर मैं पलट के दिखाऊं आपको तो देखिए ये भी इधर से काला है, तो इसको भी हम साफ कर लेंगे। ये जो काला काला जमा हुआ है ये कार्बन है, जो डस्ट वगैरह ये खींचता रहता है बाहर से, और लगातार चलने से इसके अंदर जो घर्षण पैदा होता है उसमें से भी जो रबड़ की डस्ट निकलती है ये वही डस्ट है। तो इसको हमने साफ कर लिया अच्छी तरह से, देखिए अब इसको भी हम ऊपर की तरफ उल्टा लगा देंगे। और उससे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस होल में भी थोड़ी सी ये कालख नजर आ रही है, काली काली जो है, इसको भी हम साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये साफ हो गया, अब इसको हम उसके अंदर बिठा देंगे सेम वैसे ही जैसे दूसरी तरफ बिठाया था। मैंने उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी है। इसी तरह से इसको भी हम रबड़ से लॉक कर देंगे। ये हमने इसको लॉक कर दिया अच्छी तरह से। और इसमें ये चीज देखने वाली होती है कि कहीं इसमें से ये कोई चीज फटी तो नहीं है। देखिए ये चारों तरफ से बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ये वाशर जो है ये बिल्कुल सही है। इसको भी हम इसमें चढ़ा देते हैं। ये देखिए ये हमने इसको चढ़ा दिया है ढंग से। ये जो पॉइंट है आप छेद देख रहे हैं, यहां से ये हवा अंदर लेता है और यहां से जो हवा जनरेट होती है वो एक छेद के जरिए, इस छेद के जरिए इस चैम्बर में आती है, और इस चैम्बर से वो हवा इस छेद में से होकर यहाँ जो छेद है ये यहाँ पर भी एक आपको छेद नजर आ रहा है, इस छेद में से होकर बाहर निकलती है। तो ये है पूरा मैकेनिज्म। अभी हमने इसको साफ कर दिया है, अब इसको फिट कर देते हैं। पहले तो इसको बंद करेंगे, ये हमने इसका ढक्कन लगा दिया, अब इसको हम इसमें फिट कर देते हैं। ये देखिए ये प्रॉपरली फिट हो गया है। इसमें और कहीं कोई टूट फूट नहीं हुई है, भी पेच वगैरह लूज नहीं है, ये प्रॉपरली ढंग से पूरा सही लगा हुआ है। चलिए अब इसको बंद कर देते हैं। चलिए पेच हमने कस दिए हैं, अब देखना ये है कि ये ठीक हुआ या नहीं। एक दोस्तों इसमें मेरी गड़बड़ हुई है, क्योंकि जिनका ये एयर पंप था जब उन्होंने इसको खोला है और खोलते वक्त जब उन्होंने यहां से इसको खींचकर निकाला पाइप को, तो वो पाइप जो है वो बाहर से ही टूट गया और उसका जो अंदर का ओवरलैप का हिस्सा था, जो तकरीबन ये इतना हिस्सा इसकी नोजल के ऊपर ही रह गया था। तो उसको निकालने की कोशिश मैंने की, वो निकल तो गया लेकिन उसके साथ में आप देखिए खुद देखिए क्या हुआ है। जो नोजल लगाने के लिए पाइप था
ये पाइप, ये इसमें से ऐसे लगा हुआ था, ये वो एक्चुअली टूट गया। अब पाइप इसमें ऐसे लग नहीं सकता है, तो इसका अब मैंने एक जुगाड़ और नया निकाला है। हो सकता है कि आप लोग भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करें, तो उसका मैं आपको सिंपल सा एक जुगाड़ बता देता हूं। हमारी जो 5 ml की सिरिंज होती है, इसके आगे नीडल है, ये इसके आगे जो कवर होता है, वो मैंने कवर लिया और उसको मैंने आगे से पूरा ये काट दिया है। ये तकरीबन इतना लंबा था, ये इतना काट दिया है, और पीछे का जो सिरिंज का इसका सिरा था, इसको मैंने लिया। ये जो सिरा है ये पूरा इसमें फिट बैठता है, तो इस सॉकेट में मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। अभी नहीं, पहले मैं और इसका जुगाड़ बना लेता हूँ। अब इसमें भी हमारा ये पाइप जो है अंदर नहीं जाता। रीज़न क्या है? क्योंकि दोनों का डायोमीटर जो है वो सेम है, तो उसका मैंने हल एक और निकाला है। इस तरह के टॉयज़ जब आते हैं, टॉयज़ में जिनमें डिफ्यूज़र लगा होता है, तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा उसके साथ में एक ये इस तरह का पीस, जॉइंटर कह सकते हैं, ये लगा होता है, और ये यहाँ पर होता है, और इसके साथ हम यहाँ पर एयर पाइप लगाकर इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैंने ये पीस निकाल लिया, अब ये इसमें परफेक्ट बैठा है, और इस पार्ट को मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ, और ये पूरा प्रॉपरली बिल्कुल सही ढंग से इसमें टाइट हो गया है, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। और इसको हम अब इसमें हम ये अपना डिफ्यूज़र लगा देते हैं। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी स्पीड बढ़ी या नहीं बढ़ी, आवाज़ बंद हुई या नहीं हुई। चलिए अब देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या है। इसको बीच में डाल देता हूँ मैं, स्विच ऑन करते हैं। वाह, देखिए आप खुद देख सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी बढ़ गई है, देख सकते हैं आप। ये साफ करने का नतीजा है, उसको हमने साफ किया इसलिए इसकी स्पीड इतनी बढ़ गई है। अब आप आवाज भी नोट कर लीजिए, आवाज बिल्कुल मिनिमल हो गई है, बिल्कुल जो नॉर्मल वाइब्रेशन होती है वही आवाज है। और जो पहले इरिटेटिंग नॉइज थी वो बंद हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने एयर पंप को रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो दूसरों के भी काम आ सकता है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।